दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 से, जब एक गडरिया जिसका नाम था ताशी नामग्याल, जब उसकी याक गुम हो गई तो वो पास के गांव में जब अपनी याक को ढूंढने गया तो उसने अपनी दूरबीन की नज़र से कुछ ऐसा अजीब देखा। उसने देखा कि कुछ लोग आर्मी की ड्रेस में बंकर्स खोद रहे हैं और उनकी दाढ़ी देखकर उसे शक हुआ कि वो इंडियन आर्मी नहीं है और उसने तुरंत ही ये सारी की सारी एक्टिविटी इंडियन आर्मी को जाकर बताई। जब इंडियन आर्मी चेक करती है तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकलती है। इट वॉज अ प्लान्ड अटैक लेटर कॉल्ड एज कारगिल वॉर। कोई भी सरकार ऐसा आक्रमण सहन नहीं कर सकती। कारगिल वॉर को समझने के लिए सबसे पहले हमें मैप को समझना होगा। और कारगिल वॉर को कारगिल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ी गई थी। अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो श्रीनगर से लेह तक ये सड़क यानी NH1A पाकिस्तानी आर्मी का मेन टारगेट था, इस हाईवे को डिस्ट्रॉय करना, ताकि एक तरफ से भारत के आज से सियाचिन निकल जाए और दूसरी तरफ से लेह से श्रीनगर की कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाए। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने 4 जगह से कारगिल जिले में घुसपैठ की, फ्रंट लाइन में मस्को से, साउथ वेस्ट में दराज से, और दराज में ही सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई थी। तीसरी जगह से घुसपैठ हुई थी ककसार में, ये रीजन एज अ बैकअप यूज किया गया था पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा। और चौथा था बटालिक एरिया, जो सबसे लास्ट पॉइंट था, और बटालिक एरिया पर कब्जा करना यानी भारत को सियाचिन से अलग करना। अब मैप पर समझने के बाद एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि कारगिल युद्ध एग्जैक्टली हुआ क्यों था। आपने कई बार ये कहावत जरूर सुनी होगी कि सीमा पर तनाव है, लगता है कहीं पर चुनाव है। अब एग्जैक्टली कहीं पर चुनाव तो नहीं था, लेकिन ये भी एक सीट की गर्मी ही थी जिसने कारगिल युद्ध करवाया। कारगिल युद्ध से ठीक 3 महीने पहले फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस की यात्रा भी की थी लाहौर तक। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, और यहीं पर उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया था। लेकिन ये शांति स्थापित करने वाली मीटिंग कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर जनरल परवेश मुशरफ, जिसने और जनरल्स के साथ मिलकर ऑपरेशन बद्रा की रूपरेखा तैयार की। खैर, पाकिस्तान की तो आदत ही है पीठ पर वार करने की, और इस बार भी पाकिस्तानी गीदड़ों ने शिमला एग्रीमेंट को अपना सहारा बनाया। शिमला एग्रीमेंट जो दोनों देशों ने 2 जुलाई 1972 को साइन किया था, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। कारगिल का एरिया जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी पोस्ट यानी बंकर्स को छोड़कर नीचे आ जाते थे और फिर दोबारा गर्मियां लगते ही अपनी अपनी पोस्ट को रीज्वाइन कर लेते थे। शिमला एग्रीमेंट का मकसद ये था कि आर्मी ट्रूप्स अपने बंकर्स में ना होने के बावजूद भी वहां पर शांति बनी रहे। जब इंडियन आर्मी अक्टूबर में नीचे उतर गई तो उस टाइम पर पाकिस्तान की आर्मी नीचे नहीं उतरी, बल्कि शिमला एग्रीमेंट का वॉयलेशन करते हुए कारगिल के 4 जिलों से घुसपैठ करने की तैयारी करने लगी। और 9 मई को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कारगिल में अटैक करके इंडियन आर्मी की मेन आर्मरी, जहां वेपन्स स्टोर किए जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 14 मई को कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से भरपूर पाकिस्तानी ट्रूप से हुआ। वहीं सौरभ कालिया की गोलियां खत्म होने की वजह से पाकिस्तानी गीदड़ों ने उन्हें बंदी बना लिया। वहां उन्हें इतनी पीड़ा दी गई कि अगर मैं कभी सोचता भी हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। उनकी आंखें नोच ली गई, एक एक अंग को काट दिया गया। इतना जुल्म किसी भी जंग के नियमों के विरुद्ध है। जिसके बाद इंडियन आर्मी को ये पता चल चुका था कि ये कोई मामूली आतंकवादी हमला नहीं है, ये एक सोचा समझा अटैक है इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान ने मेन अटैकिंग पॉइंट दराज को बनाया। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये कि वो NH1A के बिल्कुल पास था। दूसरा ये कि दराज की पहाड़ियां काफी ऊंची थी, जिस वजह से वो एकदम बढ़िया तरीके से अटैक कर सकते थे इंडियन आर्मी के ऊपर। और इंडियन आर्मी के लिए भी वहां चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दराज एरिया की हर पहाड़ी पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे। अगर इन पहाड़ियों को समझे तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए सबसे पहले टोलोलिंग, हम्स यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ 0.5140, 0.4590 और लास्ट में जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वो थी टाइगर हिल। ऐसे टोटल 140 पॉइंट जिन पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया था और वहां वेपन्स के साथ बंकर बना लिए थे। लेकिन हमारे बहादुर जवान, जो देश के लिए अपना खून बहाने के लिए एक बार भी ना सोचे, उन्होंने इस बार भी कई चुनौतियां होते हुए, अब चुनौतियों की अगर बात करें तो वेदर इंडियन आर्मी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था।
हाइट जो सबसे बड़ी चुनौती थी, पाकिस्तान की आर्मी ऊंचाई पर छिपी बैठी थी। जैसे ही भारतीय सैनिक चढ़ाई करने की कोशिश करते, ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर देती थी। इंडियन आर्मी को नीचे से कुछ भी विजिबल नहीं था कि पाकिस्तानी कहां कहां पर छुपे बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी की एक एक हलचल का पता चल रहा था। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये जंग लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी। टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करने से जंग का रुख ही बदल गया, लेकिन टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस का था और हाइट लगभग 16,000 फीट की। अंधाधुंध फायरिंग ऊपर से होने की वजह से दिन में चढ़ाई करना नामुमकिन था। इंडियन आर्मी ने बाद में ये सोचा कि इंडियन आर्मी रात को चढ़ाई करेगी और एक सैनिक को टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ने में लगभग 10 से 11 घंटे का टाइम लगेगा। खाने का सामान या हथियार, इन दोनों में से एक को चुनना था। अब खाने के बिना जीना मुश्किल और हथियार के बिना जंग मुश्किल। इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन विजय। इंडियन एयर फोर्स ने इस ऑपरेशन का नाम रखा सफेद सागर और इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया मिशन तलवार। टोलोलिंग पर चढ़ाई करते टाइम इंडियन आर्मी को काफी नुकसान हुआ। इंडियन आर्मी के कई सैनिक शहीद हुए और माना जाता है कि पूरी जंग में आधे से ज्यादा डेथ टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ाई करते टाइम ही हुई थी। फिर कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 राजपूताना राइफल्स की टीम इकट्ठा की, जिसमें से ज्यादातर बटालियंस स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स थे। ऑपरेशन को तीन भागों में बांटा गया, अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। एक टीम ने सामने से लीड किया, दूसरी टीम को पीछे से भेजा गया और तीसरी टीम को कवरिंग देने के लिए रखा गया। काफी लंबी लड़ाई के बाद 13 जून की सुबह राजपूताना राइफल्स के जवानों ने टोलोलिंग हिल को कैप्चर कर लिया और एक राजपूताना सैनिक का कहना था कि ये नजारा एक ऐसी दिवाली जैसा था जिसे हमने कभी आज तक नहीं देखा। 14 जून तक आसपास के एरिया को भी रिकैप्चर कर लिया गया भारतीय सेना के द्वारा, जिन्हें हम्स भी कहा जाता था। अब जो अगला टारगेट था वो था पॉइंट 5140, जिसे अब गन हिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये पॉइंट काफी ऊंचाई पर था, लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर। पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी को चुना गया। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई को अपना ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया था। 27 मई को इंडियन एयरफोर्स का विमान टेक्निकल खराबी की वजह से क्रैश हो गया, जिसमें पायलट नचिकेता ने पैराशूट खोलकर अपनी जान बचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैराशूट पाकिस्तान के एरिया में जाकर गिरा, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में पॉलिटिकल दबाव में आकर पाकिस्तान ने नचिकेता को भारत को वापस लौटा दिया और 17 जून को लेफ्टिनेंट जनरल ने कंपनी को दो भागों में बांट दिया। एक थी ब्रेवो कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, और दूसरी थी डेल्टा, जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा की इस कंपनी का कोड था ये दिल मांगे मोर, और ये वही विक्रम बत्रा है जिनकी जिंदगी पर आधारित बाद में एक मूवी भी बनी, जिसका नाम था शेरशाह। वहीं टीम ब्रावो का विनिंग कोड था ओ या। जैसा कि मैप में देख सकते हैं, टोलोलिंग हिल और पॉइंट 5140 में ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। 20 जून की रात को दोनों टीम्स ने रोकी नोक, जो कि एक बेस पॉइंट था पॉइंट 5140 का, वहां से चढ़ाई शुरू की, और उस दिन ही दोनों टीम्स ने अपनी जीत के बाद विनिंग सिग्नल दिए ओ या और ये दिल मांगे मोर। इस जीत के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को एज ए कैप्टन प्रमोट कर दिया गया। पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करना इंडिया के लिए एक जंग का रुख बदल देने जैसा था। यहीं पर इंडिया को डॉक्यूमेंट्स के रूप में बहुत सारे सबूत मिले कि ये एक डायरेक्ट अटैक था पाकिस्तानी आर्मी का, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए बहुत आसान हो गया खुद को सही साबित करना। इसलिए पाकिस्तान जब अमेरिका से मदद मांगने गया था, तब अमेरिका ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए कहा था। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने इंडिया को सही मानते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले। वहीं अब इस जंग में अगला सबसे बड़ा चैलेंज था टाइगर हिल, और 8 जुलाई को योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ इस टाइगर हिल पर जीत हासिल की। योगेंद्र सिंह यादव ने 17 गोलियों के घाव झेले, लेकिन फिर भी जीत हासिल की, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी के मिशन लगातार चल रहे थे अपने बचे हुए पॉइंट्स को रिकैप्चर करने के लिए और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे की तरफ धकेलने के लिए। इनमें से ही एक पॉइंट था पॉइंट 4875, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा अपने एक साथी को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। इस पॉइंट पर इंडियन आर्मी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अपने एक वीर योद्धा
कैप्टन विक्रम बत्रा को गवा बैठे। वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के विमान मिराज 2000 ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और इसके साथ साथ इंडियन नेवी ने भी अपना ऑपरेशन तलवार स्टार्ट कर दिया और अरब सागर से पाकिस्तान की ओर घुसकर वहां नेवल ब्लॉकेज कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसने जंग तो छेड़ दी थी लेकिन इसके बारे में अपने घर वालों से ही नहीं बातचीत की। परवेश मुशर्रफ ने बिना नेवी और एयरफोर्स को साथ लिए भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी जिसका बेनिफिट भारतीय सेना को मिला। 11 जुलाई को पाकिस्तानी आर्मी ने पीछे हटना शुरू कर दिया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी जी मिशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर करते हैं लेकिन फिर भी इंडियन ट्रूप्स अपनी तसल्ली करते हैं कि कोई पाकिस्तानी गिदड़ छुप कर ना बैठा हो और 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल वॉर का एंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तभी 26 जुलाई हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हमारे 4 जवानों को परमवीर चक्र से नवाजा गया जो इस देश का हाईएस्ट पेड अवार्ड है जिसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और राइफलमैन संजय कुमार शामिल थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सीट की गर्मी ही थी जिसकी वजह से 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1363 सैनिक घायल हुए और इस युद्ध के ठीक 3 महीने बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है और परवेश मुशर्रफ टेक ओवर कर लेते हैं। बाद में परवेश मुशर्रफ को साल 2019 में अपने ही देश में फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सारे पॉइंट्स को दोबारा रिकैप्चर किया। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप इंडियन आर्मी के हर एक वीर सैनिक के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।